इमरजेंसी के पश्चात जनता सरकार के वित्त मंत्री एच.एम. पटेल, जिन्होंने विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने अप्रत्यक्ष करों यानी इनडायरेक्ट टैक्सों में सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत करी। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने यह निर्णय भी लिया कि भारत में संचालन करने के लिए विदेशी कंपनियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह भारतीय कंपनियों के साथ कॉरपोरेशन बनाएं। इस निर्णय के कारण कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में संचालन बंद करना पड़ा, जिसमें कोका कोला प्रमुख थी। जनता सरकार के बजट में सामान्य तौर पर करों में बढ़ोतरी की गई, लेकिन गांधी विचारधारा को अपनाते हुए लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ करों में छूट भी दी गई। 80 के दशक की शुरुआत होते ही बजट एवं वित्त संबंधित नीतियों में समाजवाद से उदारवाद की ओर परिवर्तन की झलक दिखाई पड़ती है। जहां 1980-81 के बजट में गैर जरूरी एवं शान शौकत से परिपूर्ण जीवन शैली पर खर्चों को कम करने के उपाय द्वारा समाजवाद परिलक्षित होता है, वहीं 1982-83 में कस्टम एवं एक्साइज ड्यूटी में कमी द्वारा उदारवाद के संकेत मिलते हैं। 1980 के दशक में नए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की घोषणा भी की गई, जिससे रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा सकें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम इंदिरा गांधी के कार्यकाल में प्रारंभ किए गए और नेताओं के नाम पर कार्यक्रमों का नाम रखने का सिलसिला इंदिरा गांधी के बाद प्रारंभ हुआ, जब 1985 में इंदिरा आवास योजना और 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई। धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में करों के निर्धारण के उचित स्तर द्वारा अनुपालन को बढ़ाने की जो विधि दी गई है, वह राजीव गांधी की सरकार की नीतियों में भी परिलक्षित हुई। 1985-86 के बजट में वीपी सिंह द्वारा इनकम टैक्स व्यवस्था में लाए गए सुधारों के कारण इस टैक्स के कलेक्शन में 36% की वृद्धि हो गई थी। 1986-87 के बजट को अप्रत्यक्ष रूप से किए गए सुधारों के लिए जाना जाता है, और इसके जरिए जहां वीपी सिंह ने डीलाइसेंसिंग और सार्वजनिक उपक्रम में सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, वहीं मल्टी पॉइंट एक्साइज ड्यूटी को मॉडवैट में परिवर्तित कर 30 साल बाद आने वाले जीएसटी का रास्ता साफ करने के लिए पहला कदम भी उठाया। करों की चोरी को पकड़ने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को जब अधिक शक्तियाँ दी गईं, तो उसके द्वारा प्रमुख उद्योगपतियों पर रेड डालने का सिलसिला शुरू हुआ और धीरूभाई अंबानी को भी नहीं छोड़ा गया। चूंकि इनमें से कई उद्योगपति कांग्रेस को वित्तीय सहायता प्रदान किया करते थे, इसके कारण वीपी सिंह को अपने पद से हाथ धोना पड़ा। जब देश की बागडोर वीपी सिंह के हाथों में स्वयं आई, तो उन्होंने मधु दंडवते को अपना वित्त मंत्री चुना। दंडवते ने जब अपना पहला बजट पेश किया, तब तक बढ़ते वित्तीय घाटे और ऑयल इम्पोर्ट बिल के कारण देश पर आने वाले आर्थिक संकट की आहट सुनाई देने लगी थी। दंडवते, जिन्होंने 1970 के दशक में जनता सरकार में रेल मंत्री रहते हुए आम जनता के आराम के लिए लकड़ी के सेकेंड क्लास स्लीपर बर्थों पर 2 इंच फोम लगाने का काम किया था, इस बार अर्थव्यवस्था को कोई राहत नहीं पहुंचा सके। 1980 के दशक के आर्थिक सुधारों के कारण जहां औद्योगिक विकास में तेजी आ रही थी, वहीं टेलीकॉम क्रांति की पटकथा भी लिखी जा रही थी। लेकिन ना तो यह सब बदलाव देखने के लिए राजीव गांधी जीवित बचे और न ही अर्थव्यवस्था में विकास की गति कायम रह सकी। और तो और, विभिन्न कारणों की वजह से अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट के बादल मंडराने लगे। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब अपना प्रतिष्ठित जुलाई 1991 का बजट पेश किया, तब उन्होंने विक्टर उगो को उद्धृत करते हुए कहा कि भारत वह विचार है जिसका समय अब आ चुका है। उन्होंने नवोन्मेषी सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए टैक्सों एवं ड्यूटियों का उदारीकरण किया और विश्व इतिहास में एक ऐसी पटकथा लिखी जिससे कि अब तक के सबसे बड़े समूह के जीवन स्तर को सुधारा जा सका। जहां 1991 के बजट के बाद भारत के महान मध्यम वर्ग का विशेष उदय हुआ, वहीं इस बजट द्वारा प्रत्यक्ष उपभोग में कमी के प्रयास भी किए गए और कस्टम ड्यूटी में कमी कर 1950 के दशक से जारी संरक्षणवाद को समाप्त करने के कदम उठाए गए। इसके पश्चात उदारवाद एवं संचार क्रांति के विस्तार के कारण टेलीकॉम, इंश्योरेंस और पूंजी बाजार क्षेत्रों में हो रहे तेजी से विकास का लाभ लेते हुए डॉक्टर सिंह ने 1994-95 के बजट में सेवा कर लगाने की घोषणा करी। अपने 1997 के विकास उत्प्रेरित ड्रीम बजट द्वारा पी चिदम्बरम ने उदारवाद के नए युग की पटकथा लिखनी शुरू की। इनकम टैक्स की अधिकतम दर को घटाकर अकल्पनीय 30% कर दिया गया और कर ना भरने या कम कर भरने वाली कंपनियों पर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मैट लगाने की घोषणा की गई, जिससे कि अधिकतर संगठनों को करदाता श्रेणी में लाया जा सके।
कौटिल्य के व्यवहारिक कर लगाने और नागरिकों द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन के सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए चिदंबरम ने इसी बजट द्वारा वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम प्रारंभ करने की घोषणा करी। दशक के अंत में यशवंत सिन्हा ने अपने 1998-99 के बजट द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण सुधार करते हुए 3 नई स्कीमों की घोषणा की, सरल, समाधान और सम्मान, जिससे कि न केवल टैक्स फाइलिंग और संघर्ष समाधान आसान हो जाए बल्कि ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत भी किया जा सके। नई सहस्त्राब्दी की शुरुआत होते ही अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत की विकास गाथा का भौगोलिक विस्तार करने की दिशा में नए कदम उठाए गए, जहां सर्व शिक्षा अभियान के जरिए स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर प्राथमिक शिक्षा के विस्तार का रास्ता साफ किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क मार्गों के सुधार पर जोर दिया गया। यशवंत सिन्हा ने अपने 2000-2001 के बजट द्वारा टेलीकॉम एवं आईटी क्षेत्र में भी बुनियादी ढांचे के विस्तार के नए अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए। जब एनडीए के शाइनिंग इंडिया अभियान को जनता ने 2004 के चुनाव में गरीबी और असमानता को नजरअंदाज करने के कारण ठुकराया, तब नई सरकार ने इन समस्या के निवारण के लिए भारत निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं मनरेगा जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत करी। वर्ष 2004-05 के बाद यूपीए सरकार, जिसमें वामपंथी दल भी शामिल थे, की नीतियों में जगदीश भगवती के आर्थिक विकास पर जोर की जगह अमर्त्य सेन के मानव क्षमताओं के विकास के मॉडल पर जोर को परिलक्षित किया। यूपीए 1 एवं यूपीए 2 के नीति आधार को वर्ष 2005-06 के बजट की प्रारंभिक पंक्तियों द्वारा परिलक्षित किया जा सकता है, जहां तमिल संत थिरुवल्लुवर के उद्धरण का प्रयोग किया गया, जिसमें वह कहते हैं कि स्वास्थ्य, संपत्ति, उत्पाद, खुशी जो कि इनका फल है, और सुरक्षा, यह 5 तत्व ही राज्य व्यवस्था के मूलक है। प्रधानमंत्री रहते हुए अब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गरीबी और असमानता से निपटने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की, जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसके साथ ही कमजोर वर्गों की सहायता के लिए स्कॉलरशिप कार्यक्रमों का भी विस्तार किया गया। आधार संचालित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट टैक्स कोड एवं जीएसटी की संकल्पना के द्वारा प्रशासनिक दक्षता एवं सुशासन को बढ़ाने के प्रयासों की शुरुआत भी की गई, जिसे कि अगली सरकार द्वारा सुधारों को आगे बढ़ाने में प्रयोग किया जा सकेगा।